सो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए। तो गाइस, आज मैं करने वाला हूँ कुछ इस तरीके का फोटो एडिटिंग जो कि बहुत खास एडिटिंग होने वाली है। और ये जो फोटो एडिटिंग करने का मतलब क्या है कि इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा वायरल चल रही है गाइस। तो गाइस, आप भी चाहते हो कुछ इस तरीके का फोटो एडिटिंग करने के लिए तो हमारे वीडियो में बने रहना और वीडियो को मिस मत करना। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लो और साथ ही इस घंटे को प्रेस करना ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, लेट्स गो। तो गाइस, अपने फ़ोटो को पिक्सआर्ट में शेयर कर लेते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके का पोज में ले लेनी है। तो मेरी खुद की फ़ोटो है तो मैं सोचा क्यों नहीं जल्दी जल्दी आपको अच्छे से अच्छे तरीके से मैं बता दूँ। तो आपको करना क्या है, जल्दी फ़ोटो को मैं शेयर कर लेता हूँ पिक्सआर्ट के अंदर, ठीक है। तो हमारा पिक्सआर्ट कहाँ है, यहाँ हमारा पिक्सआर्ट है। तो पिक्सआर्ट में मैं शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। तो शेयर करने के बाद क्या है, ऑटोमेटिक ये आ जाएगा, ठीक है। तुम्हारी फ़ोटो जो ओपन हो चुका है पिक्सआर्ट के अंदर, उसे थ्रो घुमा देता हूँ। तो आपको करना क्या है, एक मिनट गाइस। तो गाइस, आपको करना क्या है, जो ये फ़ोटो को मैं कट करूँगा, ठीक है। तो मैं कुछ स्टेप बाई स्टेप बताऊँगा कैसे आप कट कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले आपको यहाँ पे आपको कटआउट में जाना है। कटआउट में जाने के बाद आपको यहाँ से ऐसे फ़ोटो को साइड साइड आपको ऐसे राउंडिंग घुमा देनी है, ठीक है। तो वैसे हमारा जो फ़ोटो में लाइनिंग हो चुका है पूरा कंप्लीटेड, तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे देख रहे हो एडो बना हुआ है, आपको इस पर क्लिक कर देनी है। तो ये ऑटोमेटिक पूरा वो बॉडी में रेड आ जाएगा। तो सोचो कि आपकी फ़ोटो यहाँ पे देखो पूरा रेड आ गया ना ऑटोमेटिक। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक आइस का ऑप्शन बना हुआ है, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक करके देख लेनी है कि सही कटा है कि नहीं कटा है, बट कहीं कहीं देख सकते हो इस छोटा हुआ, ठीक है। तो उसको फिर इस पर क्लिक करेंगे और ब्रश पर क्लिक करके साइज़ को थोड़ा छोटा कर लेंगे। और देखो यहाँ पे छोटा हुआ है, तो हम इसको सब कुछ अच्छे से कर लेता हूँ। तो बस आप देख सकते हो सारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसे यहाँ पे अच्छे तरीके से कट हो चुका है। तो क्या करेंगे, यहाँ से सेव पे क्लिक करके फोटो कर लेंगे सेव, ठीक है। तो चलते हैं ड्रा टूल में। अब कार्टून में जाने के बाद अब जो इमेज मैंने कट किया है उसको सेव करेंगे अपनी गैलरी में, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ। अब क्या करेंगे गाइस, अब यहाँ फ़ोटो मेरे सेव हो गया है, तो अब चलते हैं यहाँ से बैक आ जाते हैं। तो बैक आने के बाद अपनी क्या है कि अपनी बैकग्राउंड पे यहाँ पे ऐड करेंगे। तो अपनी बैकग्राउंड पे यहाँ पे ऐड कर देते हैं गाइस। तो गाइस, हमारा जो बैकग्राउंड है ये लिए, तो मैं इसको आपका लिंक दे दूँगा, आप जाकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो टूल्स में जाएंगे, टूल्स में जाने के बाद क्रॉप में जाएंगे, क्रॉप में जाने के बाद इसको मैं यहाँ से क्रॉप कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कर लेते हैं क्रॉप, ठीक है। तो हमारे जो बैकग्राउंड देखते तो आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे टूल्स में और इस साइज़ भी क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद थोड़ा बैकग्राउंड का जो साइज़ है उसको मैं साइज़ बड़ा कर लूँगा। तो यहाँ पर 1717 कर लेंगे, और यहाँ से तो हमारा जो बैकग्राउंड का साइज़ बड़ा हो चुका है, ठीक है। अब अपने जो फ़ोटो को कट किया था यहाँ पर आपको ऐड करना है। तो चलते हैं ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद हमारा जो फ़ोटो कट हुआ है तो उसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा, ठीक है। तो वैसे आप देख सकते हो कि हमारा फ़ोटो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऐसा कुछ इस तरीके से कर लेनी है। तो वैसे यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो फ़ोटो है यहाँ पे अच्छे तरीके से सेट कर लेनी है। और करने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ से डन कर लेनी है। उसके बाद जाना है ड्रा टूल में, और ड्रा टूल में जाने के बाद तीन डॉट पे क्लिक करके फ़ोटो कर लेनी है सेव। और जो कलर सेटिंग करना है वो लाइट रूम के अंदर करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं लाइट रूम में, ठीक है। लाइट रूम ओपन हो रहा है, तो वैसे हमारा जो लाइट रूम ओपन हो चुका है, तो यहाँ से फ़ोटो को ऐड कर लेंगे। तो हमने जो भी फ़ोटो को ऐड कट किया था, सेट किया था बैकग्राउंड के साथ, उसको हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो चलते हैं, तो हमारा ये लिंक जो है यहाँ पर इसको ऐड कर लेते हैं लाइट रूम में। तो गाइस, हमारा जो फ़ोटो है यहाँ पे लाइट रूम में ऐड हो चुका है। तो इसको मैं फ़ोटो को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको ये वाली ऑप्शन अगर आपको लाइट रूम में नहीं मिलता है ये वाली,
तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसका भी लिंक दे दूंगा, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और ब्रश पे क्लिक करना नहीं है आपको, यहाँ पे सॉरी आपको ये वाली राउंडिंग पे क्लिक करना है, ठीक है। और इसको यहाँ से साइड में ऐसे घुमा देना, ठीक है। उसके बाद थोड़ा इसको साइज छोटा कर लेंगे और ऐसे पकड़ लेंगे, जो ब्लू बना हुआ उसको पकड़ के आप साइड ऐसे घुमा सकते हो, ठीक है। बट यहाँ से मैं थोड़ा यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, कोई इस कलर पे आना है, तो कलर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखते तो ऑप्शन यहाँ पे है, तो हमको रेड कलर चाहिए, तो यहाँ पे रेड पे ले जाएंगे, ठीक है। तो रेड पे ले जाने के बाद क्या करना है गाइस, आपको उसके बाद क्या टैंप लिखा हुआ है, तो आपको टैंप को देख लेना है, ठीक है। तो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो आपको थोड़ा सा टैंप को यहाँ पे कम कर देनी है, और टेन को आपको हल्का सा यहाँ पे बढ़ा देनी है, ताकि पिंक अच्छी तरीके बेस्ट हो जाए, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हल्का सा पिंक को मैं कर लूँगा, और यहाँ सबको अच्छे से फिर मिला लेनी है कि सही जा रहा है कि नहीं आया। तो गाइस आप देख सकते हो तो कितना एकदम नेचुरल कलर बैठ रहा है, सॉरी गाइस, यहाँ पीछे से देख सकते हो, और यहाँ से भी कलर आप मिला सकते हो फिर से, तो ये वाली कलर ज़्यादा बेटर लग रही है, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे हो चुका है, तो इसको यहाँ से कर लेंगे डन, और फिर से आपको उसी पे उसी ऑप्शन पे क्लिक करना है, और फिर से राउंडिंग वाला ले लेंगे, और इस साइड से हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से फिर आएंगे, थोड़ा इसको साइड छोटा कर लेंगे, और ऐसे हल्का सा ऐसे कर लेंगे, तो यहाँ आपको अच्छे से करने का चाहिए। और फिर चलते हैं कलर में, कलर में जाने के बाद आपको यहाँ पे ये अभी कलर ले लेनी है, ठीक है। तो वैसे आप देखो तो यहाँ पे छोटा सा बिंदु में कलर शो करता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो आपको ये वाली कलर कर लेनी है, तो मैं डार्क ब्लू कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टैंप को आपको यहाँ पे बढ़ा देनी है, ठीक है, टैंप को कम कर देनी है, सॉरी, ठीक है। और ये थोड़ा सैचुरेशन को आपको यहाँ पे कम कर देनी है, बाकी का आपको ऐसे हल्का सा मिला देनी है। सो ऐसा आप देख सकते हो, यहाँ हमारा एक अच्छे तरीके से कलर जो नेचुरल मिल चुका है, तो यहाँ से कर लेंगे डन। और डन करने के बाद क्या करना है, आपको लाइट पे जाना है, और यहाँ पे आपको लाइट को हल्का सा यहाँ पे कम कर देनी है, शैडो, तो शैडो देख लेते हैं, तो हल्का सा शैडो को भी कम कर देंगे, ब्लैक तो थोड़ा ब्लैक यहाँ पे कम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो चुका है यहाँ से काम। अब क्या करना है, आपको आना इस पर, और फिर क्या करना है, मिक्स पे क्लिक करना है, और थोड़ा यहाँ पे रेड टोन को आपको बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो, कम करना चाहते हो तो यहाँ से कम भी कर सकते हो, तो बट हल्का सा यहाँ पे मैं कम करूँगा, ज़्यादा रेड टोन मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा लुमियस को भी हल्का सा यहाँ पे कम बढ़ा देंगे, ठीक है। थोड़ा सैचुरेशन को आपको यहाँ पे कम कर देनी है। उसके बाद क्या करना है, आपको आना है ब्लू टोन पे, थोड़ा सा आपको यहाँ पे ब्लू टोन को यू को थोड़ा सा कम कर देनी है, थोड़ा सैचुरेशन को बढ़ा देनी है, लुमियस को भी हल्का सा यहाँ पे कम कर देंगे, ठीक है। बाकी यहाँ कर लेंगे डन, और डन करने के बाद क्या करना है गाइस, आपको यहाँ पे थोड़ा सैचुरेशन को यहाँ पे बढ़ा देनी है, ठीक है। थोड़ा वाइब्रेंस को आपको यहाँ पे कम कर देनी है। बाकी इस पर चलते हैं, थोड़ा क्लैरिटी को बढ़ा लेंगे, ठीक है। क्लैरिटी को बढ़ाने के बाद क्या करना है गाइस, आपको यहाँ वाइब्रेंस को थोड़ा सा यहाँ पे कम कर देनी है, ठीक है। उसके बाद गाइस इसको इस पर आ जाना है, थोड़ा शार्पनेस को बढ़ा लेनी है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा यहाँ पे नॉइस, ठीक है, नॉइस को थोड़ा बढ़ा लेंगे, ताकि जो फेस अच्छे तरीके से स्मूथ हो जाए, तो यहाँ से मैं थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद कलर नॉइस, यहाँ कलर नॉइस भी हल्का सा बढ़ा लेता हूँ, और बाकी का हमारा जो फोटो है अच्छे तरीके से एडिट हो चुका है। तो कैसे आप देख सकते हो, हमारा जो पहले का फ़ोटो कुछ इस तरीके का था, अभी जो मैं कलर सेटिंग किया है बहुत अच्छे से एकदम हो चुका है, देख सकते हो। अब यह करने का आपको इसको अभी फोटो को सेव करना है, तो आपको टिन डॉट पर क्लिक करना है, सेव टू डिवाइस पे क्लिक करके फोटो कर लेनी है सेव। सो गाइस आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो, तो गाइस अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना एकदम मत भूलना, और लाइक दबा के करना, और फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ गाइस। ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।